वहीं 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ने कलेक्ट्रेट पहुंच प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। 28 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने की दी चेतावनी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच के बैनर तले शुक्रवार को बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुँच सौंपा ज्ञापन। इस अवसर पर उपस्थित आंगनबाड़ी महिलाओं ने नारेबाजी कर अपना आक्रोश जताया, साथ ही कहा कि आगामी दिनों रायपुर में होने वाली महाबैठिका में कोई हल नहीं निकलने पर 28 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर काम बंद किए जाने की बातें कही हैं। इस अवसर पर सभी महिला कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध भी जताया। हमारी मांगे हैं कि जो चुनावी वर्ष अभी सामने हैं, तो हमारे पिछले 4 वर्षों से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनावी वादा में हमारे कलेक्टर दर पर मानदेय को वृद्धि किया जाऊंगा और नर्सरी शिक्षक पर उन्नयन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का उन्नयन किया जाऊंगा करके उन्होंने वादा किया था। चूँकि 4 वर्ष हो गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, हमारे लिए अभी कुछ भी ऐसे आश्वासन भी नहीं मिला है, इसलिए हम आज 9 तारीख को जिला कलेक्ट्रेट में कलेक्टर के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय छत्तीसगढ़ शासन मुख्यमंत्री जी को अपने मांगों के लिए ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमारा आज ज्ञापन में पूरा विवरण ये है कि हम अगर 7 तारीख से 22 तारीख तक हम काली पट्टी लगाकर विरोध करेंगे अपने कार्य अवधि में, और 22 तारीख तक भी हमारी मतलब मांगों को अगर सरकार कुछ भी नहीं करती है, तो 23 से 27 जनवरी के बीच हम रायपुर राजधानी में दिन और रात का महापड़ाव करेंगे। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।